बिस्तर उठा के घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे मैं मनाली जा रही हूँ। पैकिंग करना बहुत बड़ी जंग है और मैं अपनी जंग के लिए तैयार हूँ। अरे अंकल कहीं नहीं जाना, हमें हमारे सामान के लिए ट्रक लगेगी। ट्रक इनका सही है, जहाँ मन करे वहाँ टट्टी कर दो। ओए मोटी, उतर मुझ पे से। खा खा के मोटी अभी तोड़ेगी क्या मुझे? लगता है ट्रेन वाले भैया का ब्रेकअप हो गया है, सारा गुस्सा ट्रेन पर ही उतार रहे हैं। लगता है इन्हें हजारों साल बाद खाना मिला है, कितने खुश हो रहे हैं बेचारे। और मैं भी। आखिरकार बहुत सारी परेशानियों के बाद हम पहुंच चुके हैं मनाली, और ये देखो स्नोफॉल हो रहा है। वाओ, हम पिछले 250 सालों से मनाली आ रहे हैं पर कभी बर्फ देखने को नहीं मिली, और हमेशा हमें सिर्फ घोड़े और खच्चरों की टट्टियाँ देखने को मिलती थी। नेचुरली ब्लश किसको नहीं पसंद है, पर इतना नहीं कि अब बंदर के पिछवाड़े जैसी चक्कर लेके पूरे मनाली तक घूमना पड़ेगा। प्यारी समझ गई। अरे ये अपने उल्टे जूते कौन छोड़ गया? मिरेकल, मिरेकल। ठंड में तो जहाँ आग दिखे वहाँ हाथ सेक लो। ओ भाई तू क्या सेक रहा है? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। गाइस ये स्नोफॉल तो सिर्फ वीडियोस में ही अच्छा लगता है, सामने से आपका खून जलेबी की चाशनी की तरह जम जाएगा। मैं तो जा रही हूँ। गैस करो मैं कहाँ जा रही हूँ। जा पूछ के। बोर्डिंग के टाइम पे सब एसी भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं जैसे भंडारा चल रहा हो। अरे लगता है ये भैया को दो लड्डू कम मिले। ए भाई भाई अपना बैग संभाल। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। बाल बाल बच गया रे देवा। क्या सीन गाइस, मैं फाइनली गोवा पहुंच चुकी हूँ। क्या काली आ रही हूँ, लाइट नहीं अच्छी आ रही है। रुक यार इधर से ले ले। तो मैं पहुंच चुकी हूँ। अबे केकड़े हटना बदतमीज। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ गोवा, और ये देखो व्यू। अरे यार एक काम कर, समंदर ही दिखा दे यार। और मुझे मिली मेरे फेवरेट कैरी, और हम लोग ठंड के कपड़े लेकर गोवा आ गए गाइस। अब कपड़े खरीदने का एक और खर्चा बढ़ गया है। दुख का खत्म नहीं होता। और शूट करते करते मैं गिर गई। आगे जान जाए तो जाए पर कैरी ना जाए। मुझे मिली मेरे फेवरेट पिंक कलर की कोल्ड ड्रिंक, लेकिन इसका टेस्ट तो ऐसा था जैसे किसी गधे ने तरबूज खा के हगाओ। ये टट्टी किसने की है? भाई बेइज्जती हो गई, बंद कर दे कैमरा। मेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है सोना और खाना, और मुझे मिल गया खाना। आप दो ना, आप दो ना। कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका और भुक्कड़ की दाढ़ी में खाना। देख लो, और गुलशन से मिलने आई कुछ लड़कियाँ, पर मुझे इतनी आँख क्यों लग रही है? और गुलशन मुझे कुछ दिखा रहा था, लेकिन क्या बताऊँ मेरी तो दुनिया ही ब्लर है। मेरे चश्मे वाले भाई बहनों आप मेरा दुख समझ सकते होंगे। मैं अपने मुँह पर एक घंटा मेकअप नहीं झेल सकती, और ये बच्चा पूरे दिन से सिल्वर लगा कर बैठा है। और मैंने देखा कि दो सांडों में भयंकर लड़ाई हो रही थी, और कुछ टाइम बाद नॉर्मल भी हो गए। लगता है ये दोनों कपल थे। और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। और ये क्या बोल रहा है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं चुड़ैल जैसी लगती हूँ। और मेरे साथ के कुछ भुक्कड़ लोग पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं। है? ये कप है या ट्रॉफी? और ये लोग बिल देखकर भागने की बात कर रहे हैं। सब के सब चोर हैं साले। कैसे चोर लोगों को मैं मेरे साथ में लेकर आई हूँ? अरे रुको रुको रुको, मैं दे दूंगी बिल। ये दो गरीबों को उठा। गाइस मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ, और तुम भी सुन लो रे। आपने जुप्पी के बारे में नहीं सुना? इसमें लूडो खेल के आप जीत सकते हो लाखों के इनाम। ये और हाँ, ये 100% सेफ एंड सिक्योर है, और इसमें UPI के थ्रू विड्रॉल भी कर सकते हो। इसमें आपको कैशबैक भी मिलेगा, और हाँ इसका मिनिमम डिपॉजिट 1 रुपए है, 1 रुपए। अरे और इसमें GST और TDS भी नहीं लगता। और सुनो 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 सुनो, इसको आप zuppi.com से डाउनलोड भी कर सकते हो, और लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में भी है। ये गाइस, इसको एक कुत्ते ने काट लिया था, तब से ये ऐसी हरकत कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, यही कुत्ते ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये है एक्सपेक्टेशंस, और ये है रियलिटी। आई एम सॉरी बाबू। लगता है गुलशन से प्यार हो गया इन भैया को। गाइस आप लोग हमेशा बोलते थे ना गुलशन के साथ प्रैंक करो प्रैंक करो। ओके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और मैं करने वाली हूँ आज प्रैंक। मैं चक्कर खा के गिरने वाली हूँ उसके सामने। अब देखते हैं कि क्या होता है। ये लोग सब मेरे साथ है। यस। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 hours later। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब।
गाइस, मैंने पहली बार प्रैंक किया था और मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और आखिर में मुझसे हंसी कंट्रोल ही नहीं हुई और मैं हंसती। लेकिन ये प्रैंक मुझ पर पड़ा भारी भारी भारी। ये मुझसे नाराज हो गया है, पूरा दिन निकल जाएगा इसको मनाते मनाते। ने मुझे कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। गाइस, इसके पास दिमाग है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मान जा मान जा। माने माने, लगता है इसको इसकी गर्लफ्रेंड ने खुला छोड़ दिया है, कितनी मस्ती कर रहा है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड आखिर आई गई। ये क्या, गर्लफ्रेंड ने तो ब्रेकअप कर लिया पर लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर से चला गया पानी में। ओ भैया धोखा। ये हमारी गाड़ी बिना पेट्रोल के चल रही है। और हम लोग आए हैं वैलेंटाइन डे के दिन बागा बीच, और हमने बहुत सारी मस्ती करी। और मैं नाइट में आपको बीच का व्यू दिखाने आई थी, ना बीच दिख रहा है ना मैं, बस वैलेंटाइन डे के नाम पे पूरे बीच पे लाल पीला हग रखा है। क्यों, क्या हुई? और दिल पे पत्थर रख के मुझे गोवा छोड़कर जाना पड़ रहा है, और मुझे बहुत तेज नींद भी आ रही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। काश कि मैं इन दीदी की तरह सो पाती ही। और ये रहा मेरा पर्सनल कुली। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।